सिस्टम हम लोग शुरुआत करते हैं जहां से वहीं से सिस्टम चालू होती है। जैसे कि मेरे सेफ शॉप की सिस्टम, जब ने हम पवन सर के साथ, एक समय की बात है कि हमको पवन सर ने बुलाया सिस्टम के बारे में, क्या सेफ शॉप के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो हमने पवन सर की बात को जाना भी नहीं, सुना भी नहीं। पवन सर ने बोला कि एक सिस्टम है, आइए 2 मिनट का काम है। काम है तो काम को क्या होता है, तो हमको कुछ नहीं पता था, मगर पवन सर ने हमको बुलाया, हमको सारी सिस्टम के जानकारी लैपटॉप पर दिया। हमने वहां पे जा के देखा, सुना, समझा, और मेरी उस समय की स्थिति क्या थी, नहीं थी, हमने नहीं देखा। मैंने पवन सर को साइन अप कर दिया, ज्वाइनिंग किया। साल भर के बाद में हमने काम को चालू किया, क्योंकि तो मेरी बहुत सी स्थिति थी जो बिजनेस के माध्यम से कमी पैसे की हो गई थी। इसी वजह से हमने सेप्सो को ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद पवन सर की हर बातों को मानी, और मानने के बाद मेरी हर कठिनाइयों को सामना करते हुए हमने ये बिजनेस को ज्वाइन किया। सर की एक धन्यवाद देता हूँ, सर ने मेरे जो हिम्मत दी है, आज भी उनका हम गौरव से कहते हैं कि जो सिस्टम में जो बात होती है, छोटा बड़ा की नहीं होती है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ ये सोचा नहीं जाता है। ये दिल से है, ये सेफ शॉप दिल से करने का बिजनेस है। जब हम दिल से इसको बिजनेस से करना चालू किया, आज की टीम हमारी सिल्वर लेवल पर हुई, और सिल्वर लेवल से हमने अपने आप को गौरव महसूस किया कि हम कुछ बन सकते हैं। अपने बिजनेस में तो नहीं बने, और इस बिजनेस में कुछ बन सकते हैं। और हमारी जोश जुनून भी काफी पहले से रहती थी, मगर ये कभी बिजनेस के माध्यम से मेरी ज्यादा जुनून पड़ गई, और हम ये बिजनेस को देखते हुए आज हर कायम, हर मजबूरी, हर चीज को समझते हुए आज मेरी यही जुनून में बसी हुई है कि हमको ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, और हम आर्थिक स्थिति से परेशान थे, तो मेरी इनकम आना चालू हो गई, मेरे चेक बनना चालू हो गए। हम सिस्टम के माध्यम से सारी लोगों को जानकारी दी, और इसी बीच में हमने अपनी टीम को टारगेट 5 करने के लिए भी दिया। जो नई टीम, एक बार भी मेरा 3 का टीम ज्वाइन हुआ देवेंद्र सर के द्वारा, और उसके बाद उनकी मनोबल बढ़ी, और मेरे मित्र लोग भी हैं, विक्की जोशी जी हैं, बहुत सारे टीम में लोग हैं जो मेरे बात को समझते हैं, मेरी बात को मानते हैं, क्योंकि हर काम हर कोई से नहीं होता है। बिजनेस हम अपने लाइन में सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा हम चला लेते हैं, मगर सिस्टम के बात आई तो हमको कुछ जानकारी इस मामले में कुछ नहीं थी, मगर हमारे अपलाइन जब बोले सर जी आगरा चलना है, सर जी सेमिनार में आना है, तो हमने लगे हुए हैं। मेरी कमी कहाँ खली कि हमने जो सिस्टम के बात को नजरअंदाज किया। आज हमको ये सिस्टम लेता तो हमारी लेवल सिल्वर गोल्ड के नहीं होती, इससे ज्यादा होती, मगर उसको बात को हमने ये समझा कि मेरा सिस्टम आज ही है, नहीं खत्म हुआ, मेरे को टाइम मिला है, ये टाइम 4 से 5 साल की है। अगर हम 4-5 साल में कुछ भी करेंगे तो मेरे डायमंड के से कोई नहीं रोक सकता, और मेरे अंदर में जो जुनून है, हमने यही कसम खाया है कि हम तो कुछ नहीं करें ना करें, मेरे टीम के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे कि मेरे टीम को आगे बढ़ाना है, और मेरी टीम बढ़ेगी तो मेरी टीम के बदौलत हम भी आगे बढ़ेंगे। तो पहले सोचो दूसरे के लिए, फिर सोचो अपने लिए। तो भगवान भी कहते हैं कि जिस दरबार जाते हो तो पहले भगवान यही कहते हैं कि दूसरे के लिए मांगना कोशिश करो, अपने आप पर भगवान देते हैं। तो हमने सोच बढ़िया रखा है, और हमने हर चीज का सामना किया है, और हर चीज का सामना करते हुए आज हमारे अपलाइन को हर बात मानते हैं, अपलाइन का हर बात सुनते हैं। तो सिस्टम बोलता है कि जब ऑफलाइन के बाद सुनिएगा तो आपको कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी। और मेरे अंदर जो टारगेट फाइट की बात है, तो हम भी इसमें ये लगे हुए हैं कि हमारे लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमने टारगेट फाइट करना है, ताकि मेरे अंदर
बहुत सी चीज की कमी है जो टारगेट फाइट करके पूरा कर सकते हैं। और मेरे सेफ शॉप के बदौलत मैंने एक गाड़ी भी ली, वेस्पा का टॉप मॉडल, स्कूटी टॉप मॉडल स्कूटी का। और उसके बाद हमने साइड में कहीं जुड़ी ना, बहुत अच्छा रहा है, टॉप मॉडल ली और हमारी जुनून बढ़ गई। हमारे परिवार में लोग, हमारे लोग परिवार में कहने लगे कि कौन सा काम करते हो, तो हमने यही बोला कि हम सेफ शॉप नेटवर्किंग मार्केट में जुटे हुए, जो हमारे मित्र हैं उन्हीं के देख रेख में हमने उनकी हर बात को करते हुए हमने काम करे हैं। मेरी दुश्मन रोड पे 1,000 मिलते हैं, मगर दोस्त भी 2,000 हैं, मगर वो दोस्त में से ही हर आदमी मेरा अपना है, वो दोस्त में से हर आदमी अपना है। पर हमको ये जुनून खुशी वहां बांटने की जरूरत है, हमको ना कि घर रखने की जरूरत है। जब हम खुशी घर में बाहर बांटेंगे तो मेरा जुनून एकदम बढ़ेगा। और हमने एक चीज और सीखा है कि कभी के साथ झूठ मत बोलो, कभी के साथ गलत मत करो, कभी के साथ कोई ऐसी कुछ बात ना बोलो कि उनकी तकलीफ हो जाए। ये सिस्टम नहीं, हम नहीं, अपने आप को बोलना चाहिए। ये सिस्टम तो हम लोग का ही सिखाता है कि गलत करिएगा तो आगे पीछे गलत करेगा आपके भी पीछे। और हमने ये सिस्टम का सीखा है, ईमानदारी का जो भी काम होता है, ईमानदारी एक दिन ना एक दिन आपको मुकाम पे पहुंचा देगा। हम बिजनेस बहुत किए, बहुत बिजनेस किए, इतनी बिजनेस किए कि 20 साल में मेरी नाम होती थी, मगर हम सेफ शॉप का बदौलत अपने नाम को नीचे रखेंगे नहीं, ऊपर करेंगे। हम इसलिए बोलते हैं कि मेरे अंदर में जो जुनून है, हम किसी को बोलने लायक नहीं बोल सकते, मगर अपनी जुनून को हम पैदा करेंगे और सेफ शॉप के अंदर में पटना सिटी का हम एक बड़े अमीर आदमी बनेंगे। लोग हमको देखेंगे, लोग को हमको नहीं देखना है, लोग हमको क्या कहेंगे उसके मतलब नहीं है, मगर मेरे अंदर जो जुनून है हम उसको दिखा के रहेंगे। और मेरे सिस्टम में एक बात और है कि अपलाइन गुरु का महान माना जाता है और गुरु के बात स्वीकार करते हैं। जैसे मंदिर में भगवान को एक बार प्रणाम करते गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो 7 जन्म में कभी कहीं ठोकर नहीं खाएगा। तो मेरे अपलाइन गुरु है पवन सर, उनके धन्यवाद देता हूं। और मेरे हेलो जो टीम की टारगेट है, हम उन लोगों को भी एक ही बात सिखाएंगे कि गुरु को बात मानो, जिसको गुरु मानना है जिसको गुरु मानो। और मेरी पहचान सेफ शॉप से ऐसी होगी कि लोग मेरे देखेंगे, लोग को हम नहीं देखेंगे। और रही सिस्टम की बात, तो हम तो सर ये सिस्टम ऑफलाइन से सीखे हैं और मेरे सिस्टम में संडे का सेमिनार है, तो हम संडे के सेमिनार के बारे में बोलेंगे कि लोग जब तक देखेंगे नहीं कि सेमिनार क्या होता है, तो संडे के सेमिनार में हम लोग ज्यादा से ज्यादा टीम को बैठाने की कोशिश करेंगे कि ताकि मेरी और भी चाहत बढ़ जाएगी, मेरी टीम की चाहत बढ़ जाएगी। उसको टाइम से लाएंगे, टाइम से एक दिन पहले उसको इनविटेशन देंगे और उसको बोलेंगे कि सर कल आपको 9:30 बजे की मीटिंग है, सेमिनार है, आना है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो अपने बाइक से साथ में लेके आए, 2, 4, 5 जितनी आए उतनी बढ़िया होगी। तो ये कभी भी मिस नहीं करें संडे का सेमिनार, और उसमें हर चीज की जानकारी मिलती है, ताकि हम लोग को खुद को जानते हैं कि क्या क्या संडे में होता है, मगर हम लोग टीम के बारे में टीम को जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए संडे को सेमिनार दिखाना जरूरी है। संडे के सेमिनार में ड्रेस कोड में आना है, बाकी ताकि सब चीज तो हमने ऑफलाइन से जानकारी मिलती है। और फ्राइडे की ट्रेनिंग, जब हम खुद को फ्राइडे के ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो मेरा टीम भी क्या जानेगा कि फ्राइडे को ट्रेनिंग में क्या होता है, किस चीज का ट्रेनिंग है। तो सिस्टम ही बताता है कि फ्राइडे के ट्रेनिंग में जब तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे तो वहां पर हम लोग सीखने का और जो भी बात सिखाया जाता है वो समझ नहीं पाएंगे। बाकी हो गया आपकी कोर मीटिंग, कोर किसको बोलते हैं, कोर बोलते हैं हम लोग एक गार्जियन को। मेरे घर में भी 4
परिवार है, अगर हम खुद को गलत करेंगे तो मेरा परिवार भी गलत करेगा, तो उसी को जिम्मेवारी लेना चाहता है कोर मीटिंग। तो हमने सिस्टम के साथ ये बोलना चाहते हैं कि जब तक हम अपने घर में अपने डाउन लाउन को मीटिंग नहीं करेंगे, उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या समस्या है, तो उनकी भी जानकारी नहीं मिल पाएगी या हम खुद उनसे बात ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो वो सब अपने ही टीम के द्वारा अपने ही घर में या जहां पे भी हो कोर मीटिंग का लेने का उपाय करें हम लोग, और ताकि हम लोग कोर मीटिंग से उनको मजबूती करें, उनकी हर चीज को समझें, ताकि उनकी एक एक टाइम का जरूरत है। अगर हम उनको टाइम को नहीं समझें, सुबह का फॉलोअप करने का टाइम है तो सुबह हम लोग निकल नहीं पाते हैं, प्लान दे नहीं पाते हैं, और सुबह में हम लोग कोशिश करते हैं कि खुद अपने नहीं जाग पाते हैं, तो टीम को क्यों जगा पाएंगे। टीम के लिए इसके लिए आपको खुद जागृत होना पड़ेगा। जब हम सुबह में जाएंगे मॉर्निंग में, तो टीम भी समझेगा कि अपने काम को छोड़कर सब काम छोड़ के ये अपने घर पे मेरे पहुंचे हैं, तो उसकी शर्मिंदगी के कारण वो टीम जागृत हो जाएगा कि नहीं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, पांच दिन नहीं, कम से कम एक लतारे 7 दिन तक उनके घर पे दरवाजा पर पहुंचे रहेंगे, तो उनकी फॉलोअप होगी, उनकी हर काम जो है पूरा होगी। और उससे नहीं होता है तो मेरे अपलाइन है सीनियर, उनके साथ टाइम लेके उनके घर पे पहुंचे, ताकि उनकी देख रेख से उनकी ज्यादा मोटिवेट हो गए और हर चीज को वो समझेंगे। अरे सब काम ठीक है हम लोग को, फिर उसके बाद डायमंड बनते हुए हम नहीं देखेंगे, हमने मुट्ठी नहीं बांधेंगे तो कैसे समझेंगे। तो हमको टीम को भी डायमंड फेब्रिलेशन में लेके जाना चाहिए, उसकी हर मजबूरी को समझते हुए भी हमको ये नहीं सोचना है कि उसकी क्या मजबूरी, मगर उसको दिखाने से ये होता है कि ताकि वो डायमंड देखेगा बनते हुए, जब हम खुद को डायमंड बनते हुए देखें तो मेरे मन में जुनून आ गया कि हमको ये काम क्यों करना है। ठीक है, दिशा वर्कशॉप है, दिशा वर्कशॉप में जाना जरूरी है कि ताकि हम लोग का कोई भी काम करने के लिए हर कोई को जानकारी नहीं है। जैसे कि हमको जाना है यहाँ से अपने मार्केट के लिए दिल्ली, तो खुद को हमको जानकारी है मगर हमने टीम को जानकारी नहीं है। तो इस दिशा वर्कशॉप में ले जाने के बाद कहाँ पे कौन सी बात उनको चुभ जाएगी, कौन सी बात उनकी अंदर घुस जाएगी, वो अपने काम को कायम करने के लिए वो भी मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह जो हमारे अपलाइन समझाते हैं, उनकी भी एक अपने अंदर जागृत जितनी बातें होती है वो हमको सिस्टम के माध्यम से जानकारी देते हैं, और जो भी बात हमको समझाते हैं हमारी एक एक बात को वो अंदर जाहिम हो जाता है कि हमको कैसे करना है। या व्यापार करते हो, या सिस्टम के बात करते हो, या जो भी बात हो, हमारी तेजी आ जाती है। तेजी आ जाती है तो नेटवर्क मार्केट में तेजी आने के कारण ही लोग आगे बिजनेस को ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो हम लोग का बिजनेस बढ़ने का कारण है नेटवर्किंग मार्केट में दिशा वर्कशॉप। अगर दिशा वर्कशॉप नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो वो हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मजबूरी लाख आती है, मजबूरी लाख कोशिश को रोकती है, मजबूरी हर बढ़िया चीज को रुकावट लाती है। तो कुछ बढ़िया काम करने के लिए ही मजबूरी आती है, तो हमको वो मजबूरी को लांघना पड़ेगा, अपने सीमा से आगे बढ़ने के लिए आना पड़ेगा, हमको हर बात को समझना पड़ेगा। इसलिए कि हमने मजबूरी 20 साल नहीं झेली है, अब हम किस तरह के मजबूरी करेंगे। आज भी हमारे डाउनलॉक में सब लोग मजबूर है, हर के पास पैसा नहीं होता, हर के पास सब कुछ नहीं होता, तो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि ताकि अगले आदमी किसी को पता नहीं चले। मगर हमने ये जानते हैं, हमारी भगवान सोच अच्छी बनाई हुए हैं कि हम गलत नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी कभी आपको गलत सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मगर हम यही सोचते हैं कि हम टीम को जितना ही बढ़िया सोच बढ़िया रखेंगे ताकि बढ़िया। और लक्ष्य, अगर कोई चीज लक्ष्य है तो कोई चीज काम करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारी लक्ष्य ये है कि जब हम कोई चीज अपने
अंदर डाल देंगे तो हमारी सच्चाई छुपी हुई नहीं है, सच्चाई सच है, ये कड़वा सच है कि वो लक्ष्य पा के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरी लक्ष्य है कि मेरे घर में फोर व्हीलर गाड़ी हो, मेरी लक्ष्य है कि मेरे अपने आप को बड़ा मकान हो, तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए खुद का आप मालिक हैं, खुद पे आप निर्भर हैं। वो आप अपने अंदर जागृत कीजिए कि हमको कब तक पाना है। तो हमारी सिस्टम तो बोलती है कि 3-4 साल तक मेहनत करो, लक्ष्य पूरा करो। लक्ष्य को पूरा करने में 3-4 साल आपको कब गुजर जाएगा? आपने 20 साल गुजार लिया। ध्यान दें, आज तक कृपया ध्यान दें, अगर भाई दीदी किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू। हाँ सर बोलिए। आपने किसी भी बात को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने 20 साल गुजार दिया तो भी आपका पूरा नहीं हुआ, तो क्यों, आखिर क्यों, काम क्यों करना है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कोई आपका घर के बाहर नहीं लेने वाला है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपके जेब में पैसा है तो सब कोई पूछेंगे, आपका रिलेशन हित दाता, आपकी दुश्मनी है वो भी आपको पूरा वो निखार निखार के देखेंगे कि अरे कल ये आदमी जो है साइकिल नहीं था, टाई नहीं था, ये जूता मोजा टाई और बेल्ट पहन के ये कौन सी इसकी लॉटरी लग गई। वो लॉटरी को आपको दिखाना है, वो समाज में अंदर अपनी जागृत करना है। आपके पास अपनी शक्ति जो है 5 करोड़ की है, ये नहीं कि 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, उस शक्ति को डालना है। और कब डालना है? अपने लिए डालना है और खुद को टीम के लिए डालना है। ये सिस्टम बोलती है जब आप खुद को टीम के लिए डालेंगे तो आपको ऊपर वाला खुद बना देगा मालिक। तो मेरे सिस्टम में भी बोला गया है कि आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। ये हम नहीं बोलते, सिस्टम बोलता है। और एक चीज और है, कोई भी चीज कोई भी बात अपने अंदर है तो अपलाइन को जाहिर करें कि सर मेरी मजबूरी है। तो मजबूरी के ही लिए तो काम कर रहे हैं, मजबूरी तो हर दिन है, मजबूरी तो आज भी है, आज भी 9 लाख है तो मजबूरी है, घर में बैठे हुए हैं। आज तो हम लोग का सिस्टम है कि आज सिस्टम के माध्यम से जूम ऐप में बात कर रहे हैं, ये भी एक सिस्टम है। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा, कोई किसी से घर से निकल नहीं पा रहा, तो हम लोग का एक माध्यम है, आज सिस्टम है। सिस्टम बनाने वाला ही को हम लोग एक धन्यवाद देते हैं कि हमारी जूम मीटिंग से हर चीज की हर बात को जानकारी मिल रही है। और हमारे लीडर लोग बड़े बड़े हैं, डायमंड सर लोग भी है, और हर चीज की जानकारी वीडियो से जूम माध्यम से दे रहे हैं। तो सर हम लोग एकजुट होकर सेफ शॉप से कभी भी मुंह मन नहीं मोड़े और हमारे सिस्टम के साथ जुड़े रहे और सिस्टम के हर बात अपनी टीम को भी दे और अपने टीम के साथ साथ गार्जियन बन के अपलाइन को भी लेके चले, ताकि हर अपलाइन को हर चीज का जानकारी होना चाहिए। आप कल क्या सुबह किया वो अपलाइन अपने दे, कल सुबह नीचे डाउनलाइन में क्या किससे मिले वो भी अपलाइन को जानकारी दे, ताकि अपलाइन आपका सम्मान हर बातों को करते हुए भी आपको आगे बढ़ाने में कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, हर कोई को अपना जिद बांधना पड़ेगा, हर चीज की जिद बांधना पड़ेगा। बच्चा जैसे घर में आया, कोई सामान के लिए जिद बांधता है तो आप तुरंत दिला देते हैं, तो सिस्टम बोलती है कि अगर जिद बनेंगे तो हर बच्चे को, आपका पूरे परिवार को आने वाला समय में इतना सामान दे दीजिएगा, इतना सामान दे कि बच्चा आपके पूरा परिवार कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे घर में कोई चीज की कमी है। तो सिस्टम, 4 साल कब बीतेगा सर जी? हमने ये भी देखा है कि हमने 20 साल बिताए हैं अपने जीवन में, हमने कुछ नहीं पाया, आज भी वही है, कल भी वही है, तो हम 4 साल क्यों नहीं इसमें डालें? मेरी क्या घट जाएगी, मेरी क्या कमी हो जाएगी? आज मेरा बात विचार है, आज मेरे व्यवहार है, लोग के हम मदद करते हैं, लोग इसलिए बोलते हैं कि मेरी बात हर चीज उनको अच्छी लगती है, तो मेरी बात क्यों उनको नहीं अच्छी लगेगी? लगेगी जब हम उनको कुछ बोलेंगे तो मेरी ऊपर वाला भी सुनेगा, जब हम किसी के बारे में बोल भी नहीं पाएंगे तो क्या सुनेगा? आप शर्म को ताके पर रख दीजिए,
आप शर्म को कुट्टी पे बांध दीजिए, आप शर्म को जो है ना किसी कचड़े में डाल दीजिए, डब्बा में, वो शर्म छोड़ दीजिए। जब आपको हर चीज सेफ शॉप में जो भरी हुई है, एक खुशहाली कोई जीवन में, कोई सात जन्म में नहीं मिलने वाला है। ये समुन्दर है, इसमें जितने भी आएंगे तो सेफ शॉप में कम नहीं होगा। जितने समुन्दर में आएंगे, समुन्दर है, जितने भी लोग आएंगे कम नहीं होगा। आज हमारे टीम के एक एक लीडर, एक एक महान गुरु लोग हैं, आज लाखों की नहीं करोड़ों की इनकम उठाते, करोड़ों की वो अपने घर में हर खुशी की हर चीज मौजूद रखे हैं। तो हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे में क्या कमी हो गई है? हम पार्ट टाइम में करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम उसको जिस रूप में करें, करना अगर ठान लीजिएगा तो आगे कोई नहीं रोकेगा डायमंड बनने से। तो करने के लिए क्या मजबूरी आएगी, आप उसको छोड़ दीजिए, हर चीज को आप शेयर कीजिए ऑफलाइन से। हमारे जीवन में बहुत मजबूरी आए, भगवान की दया से मेरी सेफ शॉप में सारा मजबूरी को ठोकर करके आगे निकल गए। ये अपनी बात को मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद वो हम न बोलेंगे, सिस्टम बोलेगा। लोग बोलते कि सिस्टम की बात, तो हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे मेरी काम क्या होना लॉकडाउन के बाद। और बस सिस्टम की बात को हम जाने, और बहुत चीज की जानकारी मेरे मिली, इसलिए हमको ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। और हम अपने डाउनलाउन को भी कहते हैं कि मेरे बारे में हर चीज डाउनलाउन, मेरे मित्र लोग हर चीज से वाकिफ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि संगत जो मिली हुई हम लोग के सेफ शॉप के, इसी संगत में जुड़े रहे और अपने बढ़िया पहचान बनाए, बढ़िया सोच रखे, ताकि आगे हम लोग को कोई भी किसी तरह मजबूर नहीं करे, कोई भी चीज का हम लोग का बुरा नहीं समझे। मगर हम लोग किसी का बुरा नहीं करेंगे तो लोग क्यों बुरा कर, ये तो सिस्टम है कमाने का, जिसको हमको डालेंगे उसको भी सिस्टम के माध्यम से बहुत चीज जानकारी मिलेगी। हम लोग हर चीज में हिचकिचाते हैं कि जानकारी नहीं देते हैं, ये मन में जो है इसको रखना ही चाहिए, और हर चीज की बात को जिद माननी है तो काम होगा। जीवन में कुछ अच्छा करके जाइए, ताकि आपका पूरे खानदान का नाम रोशन होगा। आपको ऐसा बनाइए कि आपका बेटा भी डायमंड बने, आपकी पत्नी भी डायमंड बने, आपका पूरे परिवार में नाम हो। क्यों नहीं ऐसा सोच बनाए कि ताकि हम ऐसा हो सकें, मगर हम लोग चाहते नहीं है। चाहते हैं क्या, होता है क्या, मगर होने से नहीं होता, चाहत रखना पड़ेगा। चाहत रखने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज आज हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के आगे बोलते हैं, तो भगवान मेरी सुनती है। एक दिन गए, दो दिन गए, तीन दिन गए, चार दिन गए, भगवान भी कहते हैं कि इसकी इतनी मजबूरी है तो भी मंदिर नहीं छोड़ता है। तो हम लोग को भी कितनी भी मजबूरी आए, ये सिस्टम को नहीं छोड़ सकते हैं। एक भगवान के रूप में मेरी दी हुई वरदान है, अगर ये अभी छोड़ देंगे तो हम जिंदगी का कोई भी सफल आदमी नहीं बन सकते हैं, इसकी आपकी पूरी हम गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि ये हमारी सेफ शॉप भारत का टॉप एक नेटवर्किंग मार्केट में आता है, और हमारे जो जिसने बनाए हैं, हमारे बड़े डायमंड लोग ने, उनके धन्यवाद देता हूं। और अपने अंदर ये सिस्टम हम लोग को बहुत चीज जानकारी देती है, और हम ये जानकारी आगे सिस्टम में हर व्यक्ति को देना चाहिए। और एक चीज और बात करते हैं, हर कोई अपने नजरिया पर भी निर्भर करता है। हम किसी को जैसा भी नजर से देखेंगे वैसा नजर मेरे मन में आएगा, जैसे भी हो, जहां भी हो,
अगर हम किसी को दोस्त मानेंगे तो दोस्त नजर आएगा, जो बहन मानेंगे तो बहन नजर आएगा, माँ मानेंगे तो माँ नजर आएगा, बेटी मानेंगे तो बेटी नजर आएगा। तो ये बिजनेस में एक बड़ा हौसला भी रहता है, जैसा नजरिया मानेंगे वैसा नजर हम लोग को आएगा, तो अपने आप को वैसा नजर बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग का सेफ शॉप का ये एक चीज बहुत बड़ा टीम के माध्यम से